आंवले को देखकर तो सबके मुंह में पानी आता ही है, परंतु आंवले का नाम ही सुन लो तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। आंवला किसी न किसी रूप में खाना बहुत ही आवश्यक है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ आंवले की लोंजी की रेसिपी शेयर की थी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आंवले की चटनी की रेसिपी। आंवला एक बहुत ही गुणकारी फल है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हमारी मदद करता है। इसे खाने से हाजमा दुरुस्त रहता है। यह आँखों और बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसीलिए आंवले के सीज़न में यदि हम प्रतिदिन इसका सेवन कर सकें तो बहुत बेहतर। इसी के चलते मैं लेकर आई हूँ आंवले की चटनी की रेसिपी। इस चटनी को आप किसी भी सब्जी पराठे के साथ परोस दीजिए, आपके खाने की रंगत बढ़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए बड़े बड़े आंवले। आंवले साइज़ में जितने बड़े होंगे उनका कसेलापन यानी तोरापन उतना ही कम होगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, बड़े बड़े आंवलों का ही चयन करें। इसमें से मैं 4 आंवलों की चटनी बनाने वाली हूँ और ये 3 आंवले किसी दूसरे रेसिपी के लिए अलग रखे हैं। इन आंवलों को एक छलनी में रखकर प्रेशर कुकर में हमें 3 सीटी होने तक पका लेना है। ध्यान रहे यह अच्छी तरह से पक जाए। आप चाहें तो इसे चाकू डालकर चेक कर सकते हैं। यदि चाकू आसानी से इसमें जा रहा है, इसका मतलब यह पक चुके हैं। अब इन्हें निकाल दें और ठंडा होने दें। ठंडे होने के पश्चात इनके बीजें निकालकर अलग कर दें। अच्छी तरह से पक्के होने के कारण बीजें आसानी से निकल जाएंगी। सारी बीजें अलग करने के बाद अब इन आंवले की कलियों को हमें अच्छी तरह से मैश करना है। आप चाहें तो इसके लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु हाथ से मैश की हुई आंवले की चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब एक पैन गर्म करने रखें, उसमें डालें 1/2 कटोरी गुड़। गुड़ की मात्रा आपके आंवले कितने खट्टे और कसेले हैं उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें डालें हमने मैश करके रखे हुए आंवले। इसे अच्छी तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर ही पकाएं। धीरे धीरे गुड़ पिघलने लगेगा और उसके पश्चात मिश्रण पतला हो जाएगा। हमें इसे धीमी आंच पर ही पकाना है। जब मिश्रण इस तरह से हो जाए तब इसमें डालें 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, उसके पश्चात स्वाद के अनुसार थोड़ा सा और नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इन सभी चीज़ों की मात्रा आपकी स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और थोड़ी देर और पकाइए। मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा हो जाने के पश्चात इस चटनी को आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसे स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो बनाइए, खाइए और खिलाइए, साथ ही सेहतमंद रहिए। रेसिपी पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।